कच्चा केला भजिया बनाने के लिए पहले तो कच्चा केला ले लीजिए, उसको ऐसे चार पीस करके रख देंगे। अब एक बाउल ले लीजिए, उसमें एक कप बेसन, तीन स्पून चावल का आटा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर एक स्पून डाला है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, नमक, जितना नमक चाहिए उतना डाल दीजिए, थोड़ा सा हींग पाउडर। अब ये सबका अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब अच्छे से मिला ली, आटा थोड़ा सा गाढ़ा ही रहना चाहिए, ज़्यादा पतला मत करना। अब इसको बंद कर थोड़ी देर अलग से रख देंगे। अब इसमें जो भी छिलका है उसको अलग से पहले निकाल देंगी। अब छिलका को अच्छे से निकाल दिए, अभी इसको पतली सी स्लाइस कर लेंगी। अब अच्छे से स्लाइस कर दिए, अब भजिया तलेंगे। अब ये कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए। अब आटा भी अच्छे से, थोड़ी देर अपन ने अलग से रखा तो इसीलिए थोड़ी देर अच्छे से हो गया। इसमें सोडा डला है इसीलिए थोड़ी देर अलग से रखना पड़ेगा, थोड़ी देर 10 मिनट के बाद ही बनाना पड़ेगा। अब तेल गरम हो गए, अभी एक एक स्लाइस को निकाल कर ऐसे हल्का सा डिप कर तेल में डालेंगे। अच्छे से पलट के भी अच्छे से पकने दीजिए। अब अच्छे से रेडी हो चुका है। ये अब रेडी हो चुका है। ये केचप के साथ भी अच्छा लगता है और नारियल की चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी रहता है। ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।